हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आए हो, बढ़िया होंगे। कई बार आप सोचते होंगे कि यार हम भी कहीं घूमने के लिए जाएं बाहर, और प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं और क्या करें, बस कैसे जाएं। तो ऐसे ही हमने डिसाइड करा दोस्तों ने मिलके एक रात पहले कि हमको कल घूमने के लिए जाना है कहीं, और प्लान बनाया फटाफट से और निकल पड़े इस सुबह। तो फिलहाल हम दोस्तों खड़े हैं पंचकुला हाईवे पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पता नहीं क्या अजीब से पहाड़ बने हुए हैं। और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए दोस्तों हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ। हाँ हाँ, सुबह सुबह थोड़ा निकल चुके हैं दोस्तों, और हालत थोड़ी खस्ता है अभी, क्योंकि अचानक से प्लान बना और बस हम निकल पड़े। सो फाइनली दोस्तों उस जगह की स्टार्टिंग हो चुकी है जहाँ पर कई लोग जाना चाहते हैं, सोचते रह जाते हैं, जा ही नहीं पाते। तो स्टार्टिंग हो चुकी है माउंटेन्स की और आ चुके हैं हम शिमला में। तो दोस्तों हम सुबह के निकले हुए हैं और शाम का टाइम आप देख सकते हैं, सनसेट भी होने लग रहा है। तो फिलहाल अभी 3-4 बजे हुए हैं और सनसेट पहाड़ों में जल्दी हो जाता है दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा हमें ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है, बाकी नज़ारे तो फुल ऑन देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। सो दोस्तों स्टार्टिंग होते ही यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने के लिए मिल चुके हैं माउंटेन्स के। तो देख पा रहे हैं कितनी ही बड़ी बड़ी और खुली खुली रोड हैं, और माउंटेन्स हैं, और ऊपर बादल हैं। तो रोड तो काफ़ी अच्छी बनाई हुई है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरी हाईवे टाइप की रोड है पूरी शिमला तक। तो यहाँ पर कोई ऑफ रोडिंग वाला इस तरह से तो हमें नहीं दिख रहा फिलहाल, तो यहाँ पे मक्खन रोड है बिल्कुल, और गाड़ी सीधा चलती जा रही है। तो जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं दिखने। वैसे शिमला यहाँ से अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर है, अभी स्टार्टिंग हुई है जस्ट माउंटेन्स में। और लो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिमला में, और यहाँ से सिर्फ 5-7 किलोमीटर ही है मेन जो माल रोड है, उससे पहले ही हमने जस्ट गाड़ी को रोक लिया है और होटल वोटल देख लेते हैं। और शाम के बज चुके हैं दोस्तों इस टाइम पर 8, और अब अपना होटल फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर कोई अच्छा सा होटल। तो दोस्तों कुछ होटल्स देखने के बाद हमें एक सामने वो जो होटल दिख रहा है उसमें हमको मिला है, तो होटल का नाम है होटल हरि पैलेस, इसमें हमने ले लिया है रूम। सो वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा दोस्तों, रूम टूर भी दूंगा, बाकी आइए आपको लेके चलता हूँ अब। अरे वाह, बाकी आइए दिखा देता हूँ और यहाँ पे नज़ारे रात के कुछ किस तरह से आपको होटल देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी फॉग भी आनी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर सारे माउंटेन्स पे होटल्स और घर ही बने हुए हैं, सब लाइटें कैसे मतलब लाइटें जली हुई हैं, तो सबकी देखो कैसे ऊपर ऐसा लग रहा है आसमान में तारे चमक रहे हो या कुछ ऐसे। तो काफ़ी ज़्यादा फॉग आनी स्टार्ट हो चुकी है और ठंड भी बढ़ने लगी यहाँ पर धीरे धीरे। तो वो रहा हमारा सामने होटल जिसमें हमने रूम लिया है दोस्तों, और रात के इस टाइम बज चुके हैं 11। सो कुछ 11 बजे का ये नज़ारा है शिमला का। सो आइए चलते हैं। लेकिन यार यहाँ पर एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है यार, यहाँ के जो ड्राइवर है भाई, लोकल्स हैं हिमाचल के, वो बड़ी ख़तरनाक ड्राइवर है भाई, बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर है भाई, वो तो देखते ही नहीं है, सीधा उड़ाते हुए चले जाते हैं बंदे को। सो इस तरह से कुछ नज़ारे हैं यहाँ पर रात के। वो बाकी हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और क्यों मैंने ऐसा थंबनेल बनाया। सो दोस्तों फिलहाल हो चुकी है सुबह, और सुबह क्या ये मैं अब अपने होटल से बाहर दिखा देता हूँ आपको क्या व्यू है यहाँ का। तो ये रहा कुछ इस तरह से व्यू सामने का, और ये पूरा का पूरा शिमला है दोस्तों, और देख पा रहे होंगे कितने कलरफुल घर और ग्रीनरी, मतलब काफ़ी अच्छा सा यार एक व्यू मिल रहा है यहाँ से। आइए दूसरी वाली विंडो से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इससे कुछ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ से। हाँ देख सकते हैं यार घर कहाँ कहाँ पर ऊपर तक बनाए हुए हैं लोगों ने। और चलिए आइए अब आपको देते हैं रूम टूर दोस्तों। तो ये है हमारा कुछ रूम, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा यहाँ पे वॉशरूम, जिसमें सिंगल आपको वॉशरूम मिलेगा। ये 2-बेडरूम रूम है, और पहला बेडरूम ये रहा, यहाँ पे आपको टीवी वगैरह मिल जाएगा, ये फैसिलिटीज़ हैं कुछ इस तरह से। और ये रहा यहाँ पे सेकंड बेडरूम, बीच में पार्टीशन किया हुआ इन्होंने, ये सिंगल ही है वैसे पूरा,
और इसके भी मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा दोस्तों, इतना आप गैस करके कमेंट में लिख सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस होगी। और बाकी बाहर तो नज़ारा आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है दोस्तों ये रूम। तो दोस्तों अब मैं इसकी आपको प्राइस बताता हूँ। तो जो ये टू रूम बेडरूम सेट है, तो दोस्तों इसकी 1600 प्राइस है, 1600 रुपये मतलब आपको देने पड़ेंगे। ये टू बेड वाला जो सिंगल पूरा रूम है ये आपको मिल जाएगा। और भी आपको रूम अगर सिंगल चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये वॉशरूम है और वॉशरूम में गीजर वगैरह सब चीज लगा हुआ है। आइए मैं आपको सिंगल रूम भी दिखा देता हूँ। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं तो 1000 से 1200 रुपए के बीच में आपको रूम मिल जाएगा, बाकी आप बार्गेनिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सिंगल रूम है कुछ इस तरह से। आइए चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, अब चलते हैं बाहर होटल से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर और सुबह के नज़ारे भाई साहब देख सकते हैं ऊपर, भाई क्लाउडी क्लाउड और मस्त, आपको बिल्कुल अच्छी सी धूप निकल चुकी है दोस्तों। सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं और काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिल गए यहाँ पर। क्या हुआ क्या ये भाई, बंदों ने कहाँ कहाँ ऊपर तक घर बनाए हुए हैं पहाड़ों पर। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ स्टार्ट है और ऊपर बस जस्ट घर है। चलो आइए चलते हैं दोस्तों किसी शॉप पर, कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि कितनी जबरदस्त धूप निकली हुई है। ऊपर यहाँ पर दोस्तों होटल है एक, और ये हमने ले लिया है आलू भुजिया एक, बाकी और भी चीजें अभी ले रहे हैं खाने के लिए। और बैक साइड में मेरे वही शिमला हाईवे जा रहा है, तो सुबह सुबह ही ट्रैफिक चलना स्टार्ट हो चुका है फुल जोरों शोरों से। और सामने माउंटेन्स दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ऊपर घर पे घर बनाए हुए हैं ऊपर तक। भाई वो जो आप टॉप देख पा रहे हो वहीं पर कहीं जाके माल रोड है, तो वहीं पे जाना है आज हमें भी। और एक्सपीरियंस क्या मेरा इतना बेकार रहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बस बने रहिएगा आप वीडियो में। मतलब यार यहाँ पर इतनी लूट मारी है और सब चीज़ है, और हिमाचल वाले को तो भाई पूछो मत। तो भाई साहब मतलब मन नहीं कर रहेगा कि दोबारा आप कभी आओ जब मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये रहा सामने दोस्तों एक बाजार का शोरूम, बस होटल के हमारे जस्ट सामने ही। वीडियो में बने रहिएगा, पार्ट टू में आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्या बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा है दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।